ये बोला कि आपने बोला 5,000 साल, तो आप 5,000 साल में सीमित करना चाहते, वही बात कहना चाहते हैं जो आपको एक थ्योरी के साथ और एजेंडे के तहत जो विश्व की 5 यूनिवर्सिटियाँ पढ़ा रही है, यानी ईसा से पहले और मूसा से पहले कुछ नहीं था, आप उसी बात को, इसलिए मैंने 9,000 साल बोला। बाकी 9,00,000 साल और भी हमारे पास, तो ये मनवंतर जो है वो चल रहा है कलयुग का जो है। नहीं, ईसा से पहले तो हिंदुत्व था, क्योंकि ईसा को तो अभी सनातन था, हिंदुत्व सनातन था जी। ईसा को तो अभी 2,500 साल ही, हाँ यही बोल रहे हैं, आपका जो इस्लाम है उसको अभी 1400 कुछ साल हुए। हाँ, तो लोग जो 5,000 साल बोलते हैं वो ईसा और मूसा के साथ बोलते हैं, मैं उससे आगे बोल रहा हूँ, इसलिए कि 9,00,000 साल पुरानी बात करें आप तो समझ में आती है जी। क्या पूछना, थोड़ा बताना चाहेंगे थोड़ा हिंदुत्व के बारे में, और जो आप अपना ओपिनियन क्या देना चाहते हैं व्यूवर्स को? देखिए, व्यूवर्स को ओपिनियन ये है कि सनातन को सीमित अर्थों में आप नहीं समझ सकते हैं, सबसे पहली बात। और यूथ और जिसके भी आप बात करें उनको अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय से मतलब समझ रहे हैं ना, जो बौद्धिकता बढ़ानी चाहिए। जब उनकी बौद्धिकता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे मामला चलेगा। क्या नाम बताया आप अपना? ईशान कपूर। हाँ, ईशान कपूर जी, जब आप लोग दिल्ली नहीं देखे हैं ना तो दिल्ली का अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, अगर दिल्ली नहीं आए तो, कि भाई दिल्ली है, नई दिल्ली उतरना है कि पुरानी दिल्ली उतरना है, निज़ामुद्दीन उतरना है कि सरायकाले का उतरना है, ये आनंद विहार उतरना है, अनेकों स्टेशन है, लेकिन जाना दिल्ली है। तो सनातन में अनेक रास्ते हैं जाने के लिए, जो जिनको लोग गलती से संप्रदाय बोल जो होते हैं, लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म है फलाना है, सनातन में रास्ते अलग हैं, लक्ष्य एक है। तो आप ये जो कहना चाहते हैं कि सब घर वापसी है, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे काफ़ी हिंदुओं को मारा गया, कुचला गया, और उनको अब धर्म परिवर्तन करवाया गया, क्योंकि कहने का मतलब तो ये है कि पहले तो सब हिंदू थे, पहले कोई मुसलमान नहीं इतने। देखिए, पैगंबर मोहम्मद जिसे कहते हैं, माननीय मोहम्मद के पहले कोई मुसलमान नहीं था, और माननीय मूसा के पहले कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी, आगे ना दो सीमित हैं, लेकिन राम जी से पहले भी सनातन था, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र से भी पहले भी सनातन था, राजा पृथ्वी से पहले भी सनातन था, तो इसलिए आप यहाँ लिमिट में नहीं बांध सकते हैं। तो सनातन सनातन है, कल्ट कल्ट है, संप्रदाय संप्रदाय है, और सीमित लोगों का सीमित बुद्धि, जितना ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे उतना विस्तृत, उतना मजे में। जो हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर आपका कोई निश्चित सवाल है तो वो पूछिए। मेरे एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला कि पैगंबर से पहले भी सनातन था, बिल्कुल हमेशा से सनातन, बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ हमेशा से सनातन था, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पैगंबर पहले थे या ईसा मसीह पहले थे, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई, सबसे पहले तो मेरे को उनकी बुद्धि पे हंसी आती है और दया आती है कि कहते कौन है। आप एड्रेस बताइए ना, यूनिवर्सिटी का एड्रेस करिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी बोलती है। भाई, ये सारा मामला जो एक पंत और पोती के तहत आता है, कुछ वामपंथी जो है अपनी पोती के तहत बोलते हैं भाई मार्क्स से पहले तो बुद्धि थी नहीं, यही बोलते हैं। कुछ बोलते हैं जी ईसा से पहले दया नहीं थी, मतलब दया की बात करें तो ईसा से पहले नहीं थी या मूसा से पहले नहीं थी, तो ये तो बहुत सीमित सवाल है। कहाँ बात कर रहे हैं आपकी पहले कुछ नहीं था, पहले सब कुछ था, समझने का सवाल है, फिर घूम के वहीं आ रहा है। आप सवाल बहुत हल्का कर रहे हैं, सनातन सनातन है इस ब्रह्मांड के साथ, इस सौरमंडल के साथ, और उस बात को आज आपका जो तात्कालिक विज्ञान है वो भी मान रहा है कि पहले से पहले ही है सब कुछ है। तो कुछ लोग जो हैं एजेंडाधारी लोग हैं, विश्व की 7 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो अपने कल्ट को फैलाने के लिए धन आधारित एजेंडे पे लगी हुई है, और वो अटैक करती है सीधी सीधी सनातन को। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? आप जितनी भी टॉप लिस्ट बना लीजिए, एम्ब्रिज, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, कोलम्बिया, येल, टेल, मेल, फेल, सब फेल, बिल्कुल वो एजेंडे के तहत। अरे, वो बोलते हैं कि भैया भारत में लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा सावित्री बाई फुले के ज़माने में, तो याज्ञवल्लभ के ज़माने में वो जो हमारे यहाँ जो गुरुकुल चल रहे थे, क्या हवा में चल रहे थे? वो जो वेद की ऋचाएँ पढ़ाई जा रही थी वो कौन पढ़ रहे थे? क्या उसको पता नहीं था लोगों को? नालंदा भैया, ये तो बहुत, मैं तो उससे पहले की बातें कर रहा हूँ, तक्षशिला, और ये तो आपको प्रिंट में, लिखित में, शिलालेख में, मॉन्यूमेंट में मिल जाएगा। इनकी क्या बात करूँ, उससे आगे की बात कर रहा हूँ। जब वेद गायन श्रुति व्यवस्था में थे, फिर बाद में इसमें आए, तो आप तक्षशिला वगैरह की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत अंतिम बात है, बहुत ही अंतिम बात। ये तो फिर आगे चलें आप तो और कुछ मिलेगा आपको। आपके भी कुछ सवाल?
तो एक आप अपना परिचय दे दीजिए। नहीं, परिचय तो आ ही जाएगा, मेरा परिचय क्या करना, मैं सनातन का सिपाही हूँ। मैं सनातन का सिपाही हूँ, बता नहीं रहे तो परिचय कहाँ से आ जाएगा। थोड़ा अपना नाम बताएं भाई। इस शरीर का नाम आप बोल रहे हैं, लोग जानना चाहिए। इस शरीर का नाम GS परिहार है, पूरा नाम होता है गोपाल सिंह परिहार होता है, और मैं दिल्ली में हूँ। मैं सनातन का सिपाही हूँ और हमारे पुरखे इस संगठन से जुड़े हैं। हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारा कोई संगठन नहीं है। मैं वैसे सर्वदलीय गोरक्षा मंच का युवा महामंत्री हूँ, अगर आपने संगठन की बात करी है तो लोगों को पता लगना चाहिए ना किसकी बातें हम सुन रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, सनातन के सिपाही की बात सुन रहे, सर्वदलीय गोरक्षा मंच की कोई बात नहीं आई है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। हिसाब से जानकारी होनी चाहिए, नहीं लोगों को हो जानी चाहिए, नहीं भी होगा तभी बात तो यही रहेगी। अगर मेरा परिचय आ जाएगा, सनातन छोटा नहीं हो जाएगा या बड़ा भी नहीं हो जाएगा। हाँ, मेरे में कुछ प्रभाव पड़ सकता है परिचय से, परितेज का मोहताज नहीं। क्वेश्चन है जी, जैसे कि कुछ क्रिश्चियनिटी ठीक है जी, आजकल हिंदुत्व लड़के लड़कियों को लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप क्रिश्चियन धर्म अपनाओ ठीक है।